आज जोगिंदर नगर उपमंडल के बालक रूपी में 25वां शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत जोगिंदर नगर बाजार में कलश यात्रा निकाली गई। जनता जनार्दन समिति के सचिव अनूप सूद ने बताया कि आज 25वां शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है। ये शिव महापुराण 9 से 19 तारीख तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा। शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा, साथ ही 18 तारीख को शिव की झांकी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को पूर्णाहुति तथा भंडारे का आयोजन किया जाएगा। के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनूप सूद, सचिव जनता जनार्दन सेवा समिति बालक रूपी। आज हमारा जो ये 25वां शिव महापुराण है, उसका आयोजन किया जा रहा है। आज मतलब 9 तारीख से लेकर के ये 19 तारीख तक चलेगा, जिसमें कि 9 तारीख को कलश यात्रा से ये प्रोग्राम आज शुरू हो रहा है। इसके उपरांत प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा, शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जाएगा। और 18 तारीख को शिव झांकी का आयोजन किया जाएगा, जो कि 2:30 बजे बाबा बालक रूपी मंदिर से शुरू होकर के और गुरुद्वारा तक जो है वो जाती है हर साल की भांति। इस बार भी वैसे ही प्रोग्राम होगा और 19 तारीख को पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। धन्यवाद। और किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे इस बार? इस बार झांकियों का ही आकर्षण रहेगा और बाकी जो प्रोग्राम कथा है वो हर साल की भांति इसी प्रकार है जी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंद्रनगर से साईशा सूद की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।